बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1, क्योंकि हमारे पास है लर्निंग टू बी आ साइंटिस्ट। इसकी हम लोगों ने लास्ट टाइम रीडिंग कर ली थी और आज ही हम पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज के बारे में। ये एक्सरसाइज आप लोग भी खोल लीजिए, पेज नंबर फाइव अपना सब ओपन कर लीजिए। और पेज नंबर 5 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने सब क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। व्हाट इज़ अ साइंस? पहले उन्होंने पूछा साइंस क्या चीज़ है, तो इसका रीडिंग से ही आंसर है। ये पेज नंबर 2 पर है, पेज नंबर 2, ठीक है। द स्टडी ऑफ थिंग एंड इवेंट्स दैट टेक प्लेस अराउंड अस इज कॉल्ड साइंस। जिसका छोटा सा आंसर है। फिर सेकंड क्लास है, What does a scientist do? साइंटिस्ट क्या काम करते हैं? A scientist not only look at things but ask questions about them and tries to find answer by performing experiments and collecting more information. ये इसका आंसर है, ठीक है। देन नेक्स्ट की तरफ आते हैं, How does a scientist find answers to questions? इसका आंसर है जी, पेज नंबर 2 पर ही है और ये यहाँ पर है। अ साइंटिस्ट यूज स्पेसिफिक मेथड टू आंसर क्वेश्चंस, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं, व्हाट इज अ लेबोरेटरी? लेबोरेटरी क्या है? तो लेबोरेटरी इज अ प्लेस, ये पेज नंबर 2 पर ही आपके सारे आंसर्स मौजूद हैं। अ लेबोरेटरी इज अ प्लेस वेयर स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट। पहले यहाँ से लेकर एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, इट कंटेन लॉट ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स कॉल्ड एपरेटस व्हिच आर केप्ट इन अ कबर्ड और ऑन अ शेल्फ। ये यहाँ तक इसका आंसर है, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट्स आपने लिखने हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मैच द इंस्ट्रक्शंस इन द लिस्ट ए टू द क्वालिटीज दैट दे मेजर इन अ लिस्ट बी। सबसे पहले आ जाते हैं बैलेंस। बैलेंस क्या करता है? बैलेंस क्या है? जो कि वेट मेजर करता है हमारा। मीटर रूल क्या है? जो कि हमारी लेंथ मेजर करता है। मेजरिंग सिलेंडर क्या है? जो वॉल्यूम मेजर करता है। स्टॉप वॉच क्या है? जो टाइम मेजर करता है। और थर्मामीटर क्या है? जो टेम्परेचर मेजर करता है, टेम्परेचर बताता है कितना है। ठीक हो गया, पेज नंबर 5 हो कंप्लीट। अब पेज नंबर 6 पे आते हैं। पेज नंबर 6 पे भी हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स है। और पार्ट नंबर है स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड, जो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे पास, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम एपरेटस का नाम दे देते हैं। केमिकल्स आर कैप्ट इन विजेंट्स। अ वाटर इज यूज टू पुट ऑन फायर। इमरजेंसी मेडिसिन आर कैप्ट इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। स्पीशीमेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कैप्ट इन अ लेबोरेटरीज। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर रूल। उसके बाद वेट इज मेजर्ड इन बैलेंस। वॉल्यूम इज मेजर्ड इन मेजरिंग सिलेंडर्स। टाइम इज मेजर्ड इन स्टॉप वॉच। और टेम्परेचर इज मेजर्ड इन थर्मोमीटर। देन इज कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन द लेबोरेटरी एंड से व्हाट इज ईच इट। आपने ये जो इन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताने हैं कि क्या क्या है और ये इनको इनको क्या कहते हैं, और ये लेबोरेटरीज में भी यूज होते हैं। मेजरिंग सिलेंडर्स इसको कहते हैं, इसको मेजरिंग फ्लास्क कहते हैं, इसको पेप्टी कहते हैं, उसको बैरिटी कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये कुछ है नीचे, अमेजिंग फैक्ट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज यूज बाय साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि वो जो एक इंटरनेशनल सिस्टम है, एक यूनिट है, जो कि पूरे साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट है ना, वो सारे वो यूज़ करते हैं। द बेसिक यूनिट इंक्लूड, और उस बेसिक इंक्लूड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? द किलोग्राम, के जी, सेकेंड को एस, यूनिट ऑफ द न्यूटन, जो ये यानी कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर सारे इसको यूज़ करते हैं। यूनिट सच एज न्यूटन, जाउल्स एंड वॉट आर बेस्ड ऑन दिस। यानी कि सारी चीज़ें इन चीज़ों पर बेस करती हैं। अब बर्ड्स एंड मैमल्स आर द ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर ऑटोमेटिक सिस्टम। यानी कि बर्ड्स और एनिमल मैमल्स जितने भी हैं, वो वाहिद ग्रुप है एनिमल्स का विथ आर ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल विथ ऑटोमेटिक सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग देयर बॉडी टेम्परेचर। यानी कि वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर खुद ही मेंटेन कर सकता है।
तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोग समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और सबके हक में दुआ कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।